हिम्मतें मर्दां, मदद खुदा। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद हिम्मत करते हैं। कौन कहता है कि स्त्री वो नहीं कर सकती जो पुरुष कर सकता है। ये हैं ग्राम पालदा इंदौर की श्रीमती शांताबाई सोनगरा। श्रीमती शांताबाई के गांव पालदा में अधिकतर लोग मजदूरी और खेतीहारी से ही जीवन यापन करते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान का लाभ उठाते हुए शांताबाई ने अपनी छूटी हुई पढ़ाई की डोर दोबारा पकड़ी और अपनी निष्ठा, धैर्य और परिश्रम से सफलता पाकर सैकड़ों अपने जैसी महिलाओं के लिए आदर्श बन गईं। एक ग्रामीण परिवार से हूँ और मेरे परिवार में 5 भाई बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे पिताजी का देहांत में छोटी थी तभी से हो गया था, तो मेरी माँ ने मुझे मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुसीबत से पाला पोसा। और जब मैं 5-6 साल की हुई तो मेरी माँ ने यह सोचकर मुझे स्कूल में दाखिला दिलवाया कि अगर मेरी बेटी पढ़ लिख जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और उन्होंने मुझे समझा बुझाकर स्कूल भेजा कि बेटा पढ़ो लिखोगे तो तुम्हारे काम आएगा और कम से कम ज़्यादा नहीं तो तुम्हें गरीबी से लड़ने की शक्ति मिलेगी। और मैं स्कूल जाने लगी, जैसे तैसे करके मैंने 3री पास की। उसके बाद में मैं 12-13 साल की हुई तो मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी और 17 साल की उम्र में मेरा गोना कर दिया गया। गोने के बाद मैं ससुराल में गई तो मेरी माँ की शिक्षा के अनुसार ही मैंने अपने ससुराल में व्यवहार किया। उसके बाद मेरे पतिदेव जो है वो खेती में काम करते थे, मैं उनके साथ खेती में काम करने जाती थी, हाथ बटाती थी। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए मैंने अपनी माँ की शिक्षा के अनुसार ही अपने बच्चों को स्कूल में डाला। स्कूल में डालने के बाद घर के खर्च बढ़ने लगे तो हमने पति पत्नी ने तय किया कि अब मेहनत मजदूरी से पूरा नहीं पड़ता, अब हमें और कोई काम करना चाहिए। तो मेरे पति ने सब्जी का ठेला लगाना शुरू किया और मैंने टेलरिंग का काम करने की सोची। अब वहाँ पर सिखाने वाला तो कोई था नहीं, मैंने सोचा कि अपनी कुछ कमियाँ हैं तो एक महिला जो सिलाई जानती थी उसके पास मैंने सिलाई सीखी और मैं उसमें सक्सेस हुई। जिस आत्मविश्वास से शांताबाई ने मजदूरी से हटकर सिलाई का काम अपनाया वो अवश्य ही प्रशंसा के योग्य है। इस तरह से मेरे पास सिलाइयों का ढेर लगने लगा कि मैं मशीन वाली के नाम से जानी जाने लगी। तकरीबन 12 साल पहले हमारे गांव में साक्षरता वाले आए और घर घर जाकर उन्होंने महिलाओं को कहा कि आप पढ़ने चलिए। तो कुछ महिलाएं कहने लगी कि हमें घर के काम से फुर्सत नहीं है, कुछ कहने लगी हमारे बच्चे छोटे हैं, कुछ कहने लगी कि अब हम हमारे पेट के बारे में सोचें या पढ़ने के बारे में सोचें। बच्चे बड़े हो चुके थे, मैंने तो सोच लिया कि कोई जाए या ना जाए मैं दोपहरी में वक्त निकाल कर पढ़ने जरूर जाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल चले जाते थे और साक्षरता केंद्र में मेरे साथ साथ कुछ 10-12 महिलाएं और हो गई और हम साक्षरता केंद्र में पढ़ने जाने लगे। ये चित्र में क्या क्या है? वर्ष 1995 में राज्य संसाधन केंद्र इंदौर द्वारा आयोजित उत्तर साक्षरता कार्यक्रम में भाग लेकर शांताबाई ने अपने सोए हुए अक्षर ज्ञान को जगाया और अपने से कम आयु की ग्रामीण महिलाओं से दुगना परिश्रम करते हुए 5वीं पास करके अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। साक्षरता केंद्र में जाने के बाद मुझे कुछ मात्राओं का ज्ञान हुआ, कुछ शब्दों का ज्ञान हुआ, इस प्रकार मैंने तीनों किताबें बराबर पढ़ना सीखा। वो खुद आ जाती थी अपने टाइम से और काफ़ी समय तक मेरे पास में बैठती थी, पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगाती थी। जो लेडीज़ हैं तो 3 किताब को पढ़ने के लिए 6 महीने 7 महीने लगाती हैं, लेकिन शांताबाई ने 3 महीने में 3 पुस्तकें पार कर ली और बहुत अच्छे से कवरिंग लिया। सरता पढ़ी में इस गाँव में आई थी जब बिल्कुल अनपढ़ थी मैं, फिर शांताबेन ने अपने को घर आके बोला के साक्षरता में चलाती हूँ पढ़ने आना। वर्ष 2003 में शांताबाई ने सतत शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरी महिलाओं को पढ़ाने का उत्तरदायित्व संभाला। अपने जीवन के अनुभवों का उदाहरण देते हुए शांताबाई ने पालदा और आसपास के गाँव की महिलाओं को अक्षर ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता दिखाया। लंबर बांस लेंगे, बस में बैठेंगे तो अपन देख के बैठ जाएंगे। जैसे फिर चर्चा और करी तो फिर 7-5-10 जने दूसरे भी आ गए अपने, बस फिर आके हमने पढ़ाई करी तो खूब अच्छा लगा। घर में बोला कहाँ जाते हो, कहाँ करते हो दिन भर, तो हमने सोचा कि हम तो पढ़ाई करने जाते हैं, हम मान पढ़े बिल्कुल भी, हमको हिसाब नहीं आते।
तो जैसे तैसे करके उनको मना के समय निकाल के हम पढ़ने आते, बस पढ़ने सीख गए हम। शांताबाई ने एक छोटे से कमरे की दीवारों पर चित्रकारी करके उसे एक पुस्तकालय और वाचनालय का स्वरूप दे डाला। साक्षरता अभियान स्वयं सेवा की भावना से प्रेरित अभियान है। सीमित साधनों के बावजूद शांताबाई जैसी कर्मठ महिला अपने ही जैसी महिलाओं की सहायता और राज्य संसाधन केंद्र के मार्गदर्शन से हर उपलब्धि का लाभ उठाते हुए स्वयं तो आगे बढ़ी ही, दूसरी निर्धन महिलाओं को भी आगे बढ़ाया। शांताबाई ने हमारी साक्षरता कक्षा में पढ़ना शुरू किया था। एक साधारण परिवार की महिला थी जिसको पढ़ने के प्रति रुचि थी और उसके परिवार का उसको सपोर्ट भी था। जब उसने साक्षरता में पढ़ाई पूरी की तो उसकी उत्साह बढ़ा, उसने अनौपचारिक केंद्र पर जाकर पांचवी की परीक्षा दी, पांचवी भी पास कर ली। एक अच्छी उत्साही कार्यकर्ता के रूप में उसने अपने गांव में काम करना शुरू किया, अपने जैसी बहनों को इकट्ठा करके उनके साथ बातचीत करके उनको संगठित करने का प्रयास किया। शांताबाई व्यक्तिगत रूप से तो घर घर जाती ही थी, सामूहिक रूप से भी रैलियां आदि निकालकर निरक्षर महिलाओं को एकत्रित कर लेती। जब मैं एक अनुदेशिका बन गई तो मैंने सोचा कि क्या मैं कैसे कहूँ महिलाओं को कि आप लोग पढ़ने चलो, लेकिन मैंने साहस जुटाकर उन महिलाओं को कहा कि चलो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, जब भी आपको समय मिले, जिस प्रकार भी समय मिले, आप दोपहरी में आओ, शाम को आओ, या आप कहोगी कि आप हमारे घर आकर पढ़ाओ तो मैं आपके घर आकर पढ़ाऊंगी। अभावों की अवहेलना करते हुए शांताबाई किसी भी एक पेड़ की छाया में ग्रामीण महिलाओं को एकत्रित करती और अक्षर ज्ञान बांटती। 40 ग्रामीण महिलाओं में उन्होंने साक्षरता की ज्योति जलाई। हमारे लिए रमा रवि एक समान, एक साहक एक समान, लड़का लड़की एक समान, लड़का लड़की एक समान, एक समान। प्रौढ़ शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली है। इसका शिक्षार्थी अधिकतर निर्धन और निरक्षर है और अध्यापन कार्य करने वाले प्रेरक 10वीं या 12वीं तक शिक्षित। इसीलिए पाठ्य सामग्री तैयार करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि ऐसी शब्दावली का प्रयोग करें जिसका शिक्षार्थी की जीवनचर्या से सीधा संबंध हो। राज्य संसाधन केंद्र विशेषज्ञों और लेखकों की नियमित कार्यशालाओं द्वारा ये सामग्री तैयार करवाते हैं। नव साक्षरों को भी साक्षरता संबंधी कौशल दिखाने का अवसर कार्यशालाओं द्वारा दिया जाता है। मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। कितना पढ़ी हैं आप? मैं पांचवी तक पढ़ी। फिर हमारे गांव में स्व सहायता समूह बनाने वाले फील्ड वर्कर मैडम आए और उन्होंने स्व सहायता समूह बनाए। स्व सहायता समूह जब बन गए तो हमें हर प्रकार की ट्रेनिंग दी गई, जैसे पेन बाम बनाने की ट्रेनिंग, वॉशिंग पाउडर बनाने की ट्रेनिंग, नील बनाने की ट्रेनिंग, सेम्पो बनाने की ट्रेनिंग, और इन ट्रेनिंग में मैंने बहुत बड़ी अच्छी तरह से सीखा और उस सीखा उस काम को मैंने सक्सेस भी किया। जिस प्रकार सीखा उसी प्रकार मैंने उस सामान को बना के और तैयार किया। वो सारी चीज़ें हमने हाट बाजार में भारती के नाम से बेची और अच्छा मुनाफा कमाया। शांताबाई का आत्मविश्वास उसे कुछ भी नया सीखने से नहीं रोकता। स्वयं सहायता समूह की सहायता से वॉशिंग पाउडर, बाम और नील आदि बनाने की कला सीखकर वो किसी भी एक सधे हुए व्यापारी की तरह कस्बे की हाट में अपना माल बेचने की अग्नि परीक्षा से भी नहीं डरती। जब आर्थिक रूप से उन्हें कुछ दिशाएं दिखने लगी तो उसे लगा कि कुछ हटकर काम करना चाहिए। उस दौरान फिर शांताबाई ने हमसे चर्चा की कि मैं क्या करूं जिससे मैं अलग हटकर भी काम हो और मेरे परिवार को मदद भी कर सकूं। तब उसी समय स्वशक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ प्रशिक्षण शुरू हो रहे थे। हमने इंदौर जिला समिति से, साक्षरता समिति से बातचीत की,
स्वशक्ति का एक ग्रुप फोटोग्राफी ट्रेनिंग के लिए वो महिला पुरुषों का सम्मिलित कर रहे थे। हमने शांताबाई को उस ग्रुप के साथ इन्वॉल्व किया। शांताबाई ने प्रशिक्षण लिया फोटोग्राफी का। एक महिला होकर पुरुषों के बराबरी से कंधे पे कैमरा टांग के जब उसने काम करना शुरू किया, ट्रेनिंग लेना शुरू किया, तो उसके उत्साह की तारीफ कर सकते हैं। कहीं भी वो थोड़ी भी पीछे नहीं रही, पुरुषों के साथ उसने पूरा प्रशिक्षण लिया। उनके जीवन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया जब उन्हें 15 दिन की फोटोग्राफी वर्कशॉप में शामिल होने का अवसर मिला। इस प्रशिक्षण के दौरान वो कैमरे और फोटोग्राफी से ऐसी मोहित हुई कि फोटोग्राफर बनने का फैसला ही कर लिया। वही सामने अपने को प्रतीत होता है, वही फोटो में आता है। अब फोटोग्राफी तो सीख ली, लेकिन मुझे आवश्यकता थी तो एक कैमरे की, क्योंकि मैं इस काम को एक व्यावसायिक रूप से अपनाना चाहती थी। अब कैमरे के लिए मैंने मेरे पति से कहा, इनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, इनने कैमरे के लिए मेरे से बोला कि कैमरा लेना है। मैंने कहा कि भाई आप कैमरा लो, बाकी मेरे पास पैसा नहीं है। ये जो कैमरा है ये पूरा ऑटोमेटिक कैमरा है, इसको आपको सिर्फ रोल और सेल लगा के चालू करना है। सर हमें तो व्यावसायिक कैमरा चाहिए, व्यावसायिक दिखा दीजिए। व्यावसायिक कैमरा भी दिखा देता हूँ, पर फिर वो महंगा आएगा। अभाव में जन्मी पली बेचारी शांताबाई एक महंगा सपना देख बैठी। फोटोग्राफी के लिए एक महंगे उपकरण कैमरे की आवश्यकता होती है। जब तेजराम और शांताबाई कैमरा व्यापारियों के यहाँ एक सस्ते कैमरे की तलाश में चक्कर लगा रहे थे, तो साथ ही साथ शांताबाई पैसे के इंतजाम के साधन भी ढूंढ रही थी। करीब 80,000 का कैमरा है। सर ये तो हम नहीं खरीद सकते। व्यवसायिक कैमरा आपको 5,000 रुपए तक नहीं आएगा। सेकंड हैंड अगर हो तो? सेकंड हैंड मिल जाएगा, पर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। कम से कम 4-5 दिन का समय लगेगा उसमें। फिर आप इसे रखिए। सरकार की तरफ से समाज के पिछड़े और असहाय वर्ग की सहायता के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। शांता बहन, मदद तो मैं सीधे आपको व्यक्तिगत रूप से तो नहीं कर सकती हूँ, मगर आपको एक सलाह देती हूँ कि आप अपने गांव में एक स्वयं सहायता समूह का गठन करें। हर समस्या का हल होता है। शांताबाई की समस्या का हल भी था, आवश्यकता थी सही मार्गदर्शन की। शांताबाई जैसी कई ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। सरकार की तरफ से ग्रामीण महिला संघ का गठन इसीलिए किया गया कि वो ग्रामीण महिलाओं को ठीक रास्ता दिखा सके। शांताबाई को भी ग्रामीण महिला संघ इंदौर की अतिरिक्त सचिव श्रीमती उषा अग्रवाल ने स्वयं सहायता समूह द्वारा बैंक से ऋण लेने का सुझाव दिया। वो ऋण को आप 6 महीने की लगातार सदस्यता रखने के बाद वहाँ से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। चुनाव के लिए अध्यक्ष किसको चुनेंगे? अपने छन्नूबाई का चुनने ला पर। तो साक्षरता का मुख्य उद्देश्य तो नव साक्षर को सशक्त करना है। आज देश प्रगति के पथ पर है और हर नागरिक को अधिकार है कि वो अपनी इच्छा अनुसार अपना व्यवसाय चुने। आर्थिक अभाव किसी व्यवसाय के आड़े नहीं आता, आवश्यकता है अपने अधिकारों को जानने की। ग्रामीण महिला संघ इंदौर ने गांव की महिलाओं का स्वयं सहायता समूह गठित करके बैंक से ऋण लेकर महिलाओं को अपना रोजगार खोलने में सहायता की। काम बहुत जिम्मेदारी से उठाऊंगा और मैं अपनी जान। समूह की महिलाओं ने शांताबाई को स्वयं सहायता समूह का अध्यक्ष चुन लिया। शांताबाई का अटल निश्चय और उसके पति का उस पर अगाध विश्वास उन्हें बैंक ले गया। बैंक अधिकारियों ने इस निश्चल महिला को ऋण स्वीकृति का आश्वासन दिया। बैंकों की नीतियां आज हर छोटे बड़े अमीर गरीब नागरिक की सहायता करती हैं और शांताबाई ने भी उसका लाभ उठाया। वो आश्वस्त होकर अपने सपने को साकार होते देख रही थीं और कहीं सराह रही थीं उस दिन को जब उन्होंने साक्षरता का पल्लू पकड़ा था। इसके लिए आप ये कागजात लेते आइए, आपका ऋण स्वीकृत किया जाएगा। शांताबाई कैमरा तो अच्छा लग रहा है,
भले वो थोड़ा पुराना भी है, हालत तो उसकी ठीक ठाक है, दिखने करने में अच्छा है। ये बताओ, तुमने जिन्होंने आप तुमको ट्रेनिंग दिया था इसका, दिनेश ठाकुर सर जो थे आपके, उनको आपने दिखाया कैमरा? दिखाया मैडम जी, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कैमरा है, बोले आप खरीद लीजिए। राज्य संसाधन केंद्र की डॉक्टर अर्चना वाजपेयी शुरू से ही शांताबाई का मार्गदर्शन करती आई थी। ऋण मिलने पर वाजिब दाम पर कैमरा दिलवाने में भी डॉक्टर अर्चना वाजपेयी ने ही सहायता की। पुराना तो है पर एक चीज है ना, सुनो, इनको इस काम के लिए इन्होंने जो पैसे के लिए प्रस्ताव दिया था, तो जितना पैसा इनको मिला उससे ज्यादा तो ये बेचारे गरीब हैं, देखो ये तो नहीं दे सकेंगे, तो कम से कम उतने में अपन इनका ऐसा कर दे कि इनका काम भी नहीं रुके और अपने को भी इसका सही दाम मिल जाए। कंपनी की चीजें मैडम, जैसे वगैरह। अरे भैया, कम से कम सोचो कि हम रिश्तेदारी समझ लो, कम से कम आपसे थोड़ी मदद मिल जाएगी हमारे लिए। गांव के जी हां, पर कम से कम कितना? कम से कम अब आप बता दीजिए मैडम, जैसा भी आप। मैं बोल दूं फिर मान लोगे? तो बस 5000 रुपया अपन इसका तय करते हैं। कैमरा मिलते ही शांताबाई की एक नई व्यवसायिक यात्रा शुरू हुई। ये जो कैमरा है ये अब आपका, ठीक है? और शांताबाई ने अपना कैमरा लिया। आज शांताबाई अपने गांव में होने वाले हर कार्यक्रम के फोटोग्राफ्स के लिए जाती है, फोटो लेती है, और जब वो उनका एल्बम तैयार करके उनको देती है तो शांताबाई के चेहरे पर तो एक चमक और आत्मविश्वास झलकता है, पर सामने वाले को भी प्रेरणा मिलती है। गांव की महिलाएं तो केवल शांताबाई से ही फोटो उतरवाकर खुश होती। अपनी प्रतिभा के बल पर वो सारे इंदौर में चर्चा का विषय बन गई। जल्दी ही मशीन वाली शांताबाई कैमरे वाली शांताबाई के नाम से प्रसिद्ध हो गई। गले में कैमरा लटकाए, एक हाथ से घूंघट या पल्लू संभालते हुए ये साहसी महिला शादी, ब्याह, पुत्र जन्म, सामाजिक और पारिवारिक उत्सवों का हिस्सा बन गई। ग्राम के अंदर पर्दा बहुत बुरी मतलब की प्रथा है, एक तरह की लेडीज को सजा है, इसलिए मेरी पत्नी फोटोग्राफर काम करती है, उनको कुर्सियों पे चलना पड़ता है, टेबल पे है, किसी भी ऊंची नीची जगह पे उनको खड़ा होके फोटो लेना पड़ते हैं, इसलिए मैंने उनसे बोला कि आपको पर्दा नहीं करना है, क्योंकि पर्दा दुखदायी होगा, पर्दा आपको करना नहीं, किसी शर्माने की जरूरत नहीं। किसी कार्यक्रम में जाते हैं, फोटो की वहाँ मांग करते हैं तो हम जाते हैं, तो मैं भी खुद भी साथ में जाता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे भी फोटो का काम पूरा सिखाए रखा है और मुझे भी ध्यान है पूरा पूरा की जाती है, कोई काम में लगी रहती है तो मैं स्वयं भी फोटो खींचता हूँ। जुस्तजू हो तो सफर खत्म कहाँ होता है, यूं तो हर मोड़ पे मंजिल का गुमा होता है। फोटोग्राफर बनने पर भी वो नहीं भूली कि गांव की महिलाओं को उनकी सहायता की आवश्यकता है, चाहे वॉशिंग पाउडर बनाने की प्रक्रिया हो या स्वयं सहायता समूह की मीटिंग। शांताबाई अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं हुई, वो गांव की महिलाओं का साथ पहले की तरह ही देती रहीं। शांताबाई सचमुच ही एक सशक्त महिला हो गई। तो यो है मार्वल पाउडर। शांताबाई को गांव की महिलाओं का पूर्ण विश्वास प्राप्त हुआ तो वो दुगने जोश से समाज सुधार के काम में जुट गई। साक्षरता ने मानो उनको वो स्वर्ग दिखा दिया जिसकी आम आदमी कल्पना भी नहीं करता। किसी क्रांतिकारी की तरह अपने चुने हुए रास्ते पर चलती हुई शांताबाई अपनी योग्यता और अनुभव से गांव की महिलाओं के जीवन का सारा अंधकार हर लेना चाहती थी। व्यवसायिक ट्रेनिंग से गांव की महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत सहायता मिली और साक्षरता के सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे। हाँ चतुर भाई, हाँ। आपके मैं परिवार नियोजन के बारे में थोड़ी बात बताऊं। किसी दूसरे को प्रेरित करना हो या बाजार में जाकर माल बेचना, वो सदा सबसे आगे रहती। व्यस्तता के बावजूद वो गांव की युवा महिलाओं को परिवार नियोजन और परिवार कल्याण के विषय में समझाती। जीवन एक निरंतर यात्रा है, यहाँ कोई स्टेशन नहीं जिस पर मनुष्य उतर जाए और कहे कि मेरी यात्रा पूरी हो गई। एक साधारण
निर्धन, निरक्षर शांताबाई साक्षर और सशक्त होने पर नई दिशाओं में निकल पड़ी। पहले उसके जीवन का केंद्र उसका परिवार था, अब सारा असहाय समाज उसका परिवार बन गया। अब मुझ में वो पहले जैसे शारीरिक शक्ति तो नहीं कि मैं ज्यादा भाग दौड़ कर सकूं। इसमें मुझे उन प्रशिक्षणों का यह फायदा हुआ कि आज मैं फोटोग्राफी कर रही हूँ, उसमें शारीरिक शक्ति की नहीं मानसिक शक्ति की आवश्यकता है। और ये सब हुआ मेरे पति की वजह से, क्योंकि मेरे जो पति है वह मेरा पूरा साथ देते हैं। कभी कहीं रात रुकने का काम पड़ा तो मेरे पति मेरे साथ जाते हैं और वह मेरा पूरा ध्यान रखते हैं। और यहाँ तक कि मेरे पति को मैंने फोटोग्राफी सिखा दी तो वो मेरे फोटोग्राफ भी खींच लेते हैं। और यह जो सब हुआ कि मेरी माँ ने मुझे बचपन में पढ़ाया था और कुछ मैंने साक्षरता में पढ़ा और कुछ साक्षरता में महिलाओं को मैंने पढ़ाया, तो उससे मुझे यह प्रेरणा मिली। और यह सब हुआ एक साक्षरता की वजह से कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है और पढ़ने लिखने से ही मुझे जीने का एक रास्ता मिला है। मेरे को थोड़ा है ना कैमरे के बारे में जानकारी चाहिए। जैसे कि मैं फोटोग्राफी तो करती हूँ। ये हैं शांताबाई, जिन्होंने 50 वर्ष की आयु में साक्षरता अभियान की एक फोटोग्राफी वर्कशॉप में भाग लेकर न सिर्फ फोटोग्राफी सीखी बल्कि इसे अपना व्यवसाय बनाकर ये सिद्ध कर दिया कि शिक्षा ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं होती, आवश्यकता है सच्ची लगन की। फोटोग्राफी संबंधी समस्याएं भी आती परंतु वो बिना किसी हिचक के किसी से भी सहायता मांग लेती। और उसकी पहली फोटोग्राफी कार्यशाला के अध्यापक श्री दिनेश ठाकुर तो शांताबाई की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ऑपरेटर अपने को डाउन करना 2.8 करेंगे, प्लस लगा देंगे अपन, उससे जो ग्रुप फोटो है उसको अगर लेंगे ना तो स्पीड स्लो चलेगी, उस समय कैमरा मजबूती से पकड़ना रहेगा जी हाँ, वो धीरे से उसको। वो फोटो खींचने के बाद रोल डेवलप करवा कर प्रिंट बनवाती और एक उचित दाम पर अपने ग्राहक समुदाय तक पहुंचाती। परंतु इस निरंतर विकासशील व्यक्तित्व को कहीं पूर्णता की खोज थी। वो कहीं पर अपने कार्य के लिए दूसरों पर आश्रित रहने से असंतुष्ट थी, इसीलिए वो रोल डेवलप और प्रिंट करने के लिए स्टूडियो खोलने का सपना संजोए बैठी थी। शांताबाई, स्टूडियो खोलने का विचार तो बहुत अच्छा है। शांताबाई की सहायता को राज्य संसाधन केंद्र और उसके अधिकारीगण हमेशा तत्पर रहते थे। शांताबाई जैसी सशक्त नव साक्षर महिला कहीं उन्हें अपनी सफलता का भी परिणाम लगती। उन्होंने एक बार फिर इन्हें बैंक ऋण का रास्ता सुझाया। शांताबाई अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कोई भी शिखर चढ़ने, कोई भी दुर्गम घाटी लांघने पर आमादा थी। साक्षरता के प्रकाश ने उन्हें जो मंजिल दिखाई वो दूर क्षितिज के पार नहीं, यहीं इसी धरा पर प्राप्त है। आवश्यकता है तो केवल धैर्य, निष्ठा और विश्वास की। इस कहानी में अगर कोई बधाई का पात्र है तो वो है स्वयं शांताबाई और उनके पति तेजराम, जिन्होंने रूढ़िवादी विचारों को विकास के रास्ते में नहीं आने दिया। मेरा एक सपना है कि मेरा अपना स्टूडियो हो और मैं अपना स्वयं का काम खुद करूं, अपने रोल डेवलप करूं, अच्छी तस्वीरें प्रिंट करूं। और इसके लिए मैंने बैंक में अप्लाई किया है, अगर वह कर्जा मुझे मिल जाए तो मैं इस काम को अंजाम दे सकूं और मेरा सपना पूरा हो जाए। शांताबाई मात्र एक प्रमोटर, एक कारक है जो औरों को दिशा दे रही है। साक्षरता में ऐसी अनेक महिलाएं हैं जो पढ़ लिख कर थोड़ी आगे आई हैं और आज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं, खुद पढ़ रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही हैं और आत्मविश्वास इतना बड़ा है कि अब वो कुछ काम करने में उनमें झिझक नहीं रही है। तो ये इस तरह से साक्षरता महिलाओं को आगे बढ़ाने में, सशक्त बनाने में मददगार हो रही है। और जो सदियों से महिलाएं पीछे थी, एक तरह से घरों में बंद थी, आज वो महिलाएं बाहर निकली हैं।
कहीं भी जा रही है, कहीं भी किसी से भी खुलकर बात कर रही है, अपनी बात विश्वास के साथ कह रही है, पंचायतों के चुनाव में चुनाव लड़ रही है, जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिकाएं निभा रही है। हमारे यहाँ जब पढ़ना बढ़ना समितियाँ बनी उसमें महिलाएं नवसाक्षर महिलाएं मेंबर रही और अपने गांव के काम को गति देने में मदद कर रही है। आज बहुत से सतत शिक्षा केंद्र हैं जहाँ ये महिला साक्षर महिला प्रतिनिधि के रूप में देखती है, वहाँ का मॉनिटरिंग करती है, वहाँ जाती है और न आने वाले लोगों को आगे लाने के लिए मदद करती है, उनको मोटिवेट करती है। तो साक्षरता महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा माध्यम है और जिसके परिणाम हमें फील्ड में नजर आते हैं।